तो हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जा रहा हूँ, जो कि जहाँ पर मैं हूँ अभी वहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं सोचा क्यों ना इसका भी एक वीडियो बना लिया जाए, जो कि मैं भी काफ़ी दिनों से उधर नहीं गया हूँ। उधर एक ग्राउंड है, ग्राउंड के पास से वो रनवे साफ साफ दिखता है उसका, तो हो सके तो मैं वहाँ पर अगर जाऊँ तो आपको एयरप्लेन भी दिखा सकता हूँ और सामने से तो एयरपोर्ट दिखाऊंगा ही। और रेलवे स्टेशन तो है नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर जाकर पूरा एकदम नज़ारा आपको दिखाऊं कि अंदर कैसा है कैसा नहीं। तो अंदर अगर जाना है आपको तो आपको टिकट चाहिए पूरा एकदम। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप अंदर का वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं अंदर जा सकते हैं। तो मैं चलिए आपको इसके पीछे ही ग्राउंड है एयरपोर्ट के पीछे ही, वहाँ से साफ साफ पूरा रनवे दिखता है फ्लाइट लैंड करती है या टेक ऑफ करती है। तो मैं चलिए आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है वहाँ पर। तो फिलहाल तो रोड पर आ गया हूँ, उस साइड चलकर ऑटो का वेट करता हूँ, ऑटो मिलेगा तो फिर बैठकर चलेंगे। चलिए ऑटो का वेट करते हैं तो फिर डायरेक्ट आपसे वहाँ पर मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है बिरसा चौक और जाना है इधर, जो कि अंदर है यहाँ पर बिरसा मुंडा विमान करके कुछ लिख रखा है वहाँ पर, आपकी स्वागत है। तो ये एरिया एयरपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो चलिए, तो ये सब है एयरपोर्ट वालों का कॉलोनी है, AAI रेसिडेंशियल कॉलोनी यहाँ पर लिख रखा है बोर्ड में। और मुझे जाना है आगे, धूप काफ़ी है, इसे तो ठंडा है तो ऐसा पता नहीं चल रहा है लेकिन धूप है। तो ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं ये एयरपोर्ट का ही बाउंड्री है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो दिखा तो नहीं पाऊँगा यहाँ से। पहले इस जगह पर एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, अब शायद उन लोगों ने हटा दिया उसे इसी जगह पर, उसी में कैंटीन वगैरह चलाता था कोई, अच्छा था कैंटीन वगैरह के लिए लोग जाते भी थे हेलीकॉप्टर का फील लेने के लिए। यहीं पर रखा हुआ था जो कि अब हटा दिया उन लोगों ने। तो चलिए, और कुछ ही दूर है यहाँ से, इसे तो पैदल हूँ, नहीं तो बाइक से रहता है साइकिल वगैरह से तो पहुँच गया रहता, फिर भी चलिए पैदल का मज़ा ही कुछ और है। तो ये कुछ है यहाँ पर नगर विमान करके झारखंड सरकार का। तो चलिए अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पर एक पेट्रोल का रिफाइनरी एरिया है जहाँ पेट्रोल वगैरह को रिफाइन किया जाता है, भारत पेट्रोलियम का है शायद से। और ये है भारत पेट्रोलियम का रिफाइनरी एरिया। तो ये एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया है और ये देख सकते हैं फाइनली हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको सामने से व्यू दिखाता हूं कैसा है एयरपोर्ट का सामने से व्यू, और फिर मैं आपको डायरेक्ट ग्राउंड में लेकर चलता हूं, जो कि वहीं से कुछ दिखेगा तो दिख पाएगा, यहां से तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि बाहर से कुछ दिखता ही नहीं है, रेलवे स्टेशन तो है नहीं कि ट्रेन का हॉर्न वगैरह भी सुनाई देगा। तो चलिए अब रोड को क्रॉस करते हैं, और रोड क्रॉस करके मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर तो नहीं ले जा पाऊँगा, अंदर बोल रहा हूँ एयरपोर्ट के आउटर पोर्शन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो कि मैं आपको वहीं से दिखा सकता हूँ बाहर से ही। सामने मेरे पहुँच ही गया हूँ, लगभग लगभग है 500-700 मीटर की दूरी पर। तो चलिए देखिए, तो यहीं है, दूर से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं आपको सामने लेकर चलता हूँ इसको, और सामने से दिखाता हूँ कि सामने से कैसा दिखता है। तो ये देखिए सामने से कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और ये रहा झंडा, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए और भी सामने से आपको दिखाता हूँ, और वहाँ बिरसा मुंडा जी का यह मूर्ति बन रखा है। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको दिखाऊँगा ग्राउंड से ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ग्राउंड से ही दिखा पाऊँगा कुछ। इधर पार्क वगैरह है काफ़ी हरा भरा, अच्छा है, बेहतरीन तरह से
रखा जाता है इसे, जो कि हर रोज़ लगता है पानी दिया जाता है। रांची है इसलिए, वैसे रामगढ़ का तो कुछ नहीं, वैसे तो एयरपोर्ट है नहीं, रामगढ़ में रहेगा भी नहीं, कभी बनेगा भी नहीं। और ये है देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। साफ काफ़ी है, सेब भी देख सकते हैं, ये एक सो प्लांट है इसका, काफ़ी अच्छा सेब दे रखा है इन लोगों ने। तो जो कि अब देखिए इस जगह से ये है एयरपोर्ट, और ये सूरज काफ़ी प्यारा लग रहा है, और उस साइड टॉयलेट वगैरह है, और मैं इस साइड से चलता हूँ नीचे। तो फिलहाल थोड़ा थक सा गया था तो एक पार्क सा दिखा मुझे, तो वैसे वहाँ पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ से और लगभग नहीं भी तो 1 से 1.5 किलोमीटर जाना है पैदल ही। तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ से आपको रनवे वगैरह दिखा पाऊँगा, रनवे या फ्लाइट वगैरह भी टेक ऑफ अभी शायद करने वाला है, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर डायरेक्ट आपको ग्राउंड से दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ था यहाँ पर, हो सकता है चेक इन करने के लिए भीड़ हो। तो यही है वो पार्क जहाँ पर मैं थोड़ा देर आराम किया, काफ़ी प्यारा है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, वरना पता चला कि फ़्लाइट आ रहा था और उड़ गया। तो चलिए उसे उड़ान भरने से पहले हम उस ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये शायद से कंट्रोल रूम है, जो कि शायद मुझे जैसा लगता है कि यहीं से कंट्रोल किया जाता है। बस आपको अगर पता है कि ये क्या है तो बताएं, मुझे जहां तक लगता है कि यहीं है कंट्रोल रूम। तो अंदर से एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि यहाँ एक नेट सा कुछ लगा था तो यहाँ से दिख सकता था, तो मैं सोचा यहाँ से भी दिखा देता हूँ और फिर आपको ग्राउंड ले चलूँगा। तो चलिए यहाँ से तो दिखा दिए, फिलहाल तो एक भी फ्लाइट वगैरह नहीं दिख रहा। ध्यान से देखे तो यहाँ पर देखिए ये है इंडिगो वालों का ब्रांच, जहाँ पर देखिए एक प्राइवेट जेट और एक हेलीकॉप्टर है। तो चलिए अब चलते हैं। ये है CISF कैंप। चलिए अब ग्राउंड ज़्यादा दूर है नहीं, ये ग्राउंड तो ये रहा, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, और इसके ऑपोजिट साइड में ही एक और देख सकते हैं क्या बाइक था, Z900 था। सामने से तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसे मजाक कर रहा हूँ, Z900 रहता तो हालत ख़राब कर देता, उसका आवाज़ जो है काफ़ी प्यारा आवाज़ है। तो फाइनली उस ग्राउंड पर मैं पहुँच गया, जो कि आप देखते हैं मेरे पीछे तो सब क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स वगैरह में, और मेरे जस्ट सामने ही यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर पे रनवे है, जो कि उससे पहले कुछ नेट लग रखा है। तो मैं आपको तो पूरा एकदम क्लोज जाकर दिखाने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं काफ़ी सामने आ गया हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही है रनवे, और उस साइड देखे तो एक फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला है, तो चेहरा पे तो अंधेरा आ गया होगा। तो मैं चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर रहा है। तो किस्मत में था आज आपका फ़्लाइट दिखना, तो दिख गया, मुझे भी दिख गया। तो ध्यान से देखे तो दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए ये जो फ़्लाइट है, जो आ रही है इंडिगो की फ़्लाइट। मैं आपको बोला ही था कि शायद कोई फ़्लाइट उड़ान भरने वाली है, इसलिए वहाँ पर तैयारी हो रहा था चेक इन करने का। तो ये देखिए लगता है टर्न होगा वहाँ से, और फिर ये अपना पिकअप में आएगा एकदम, और फिर वहाँ से उड़ेगा। देखिएगा स्पीड, देखिएगा और साउंड सुनिएगा इसका। तो अब देखिए घुमा तो लिया उसने पायलट ने, अब देखिएगा साउंड सुनिएगा और पिकअप देखिएगा, क्या सॉलिड पिकअप होगा, अभी देखते रहिएगा आप। उड़ जा भाई, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा भाई, उड़ाई भी बे, का कर रहा ली तू। इतने देर करा हो ना जी सर, कहा बताइयो तोरा हम। एकर से बढ़िया बस हो जी, हॉर्न मारते दो बार टोणो नो टोणो नो,
खट से चापले पहुँचाई तो एकदम इसला इतो घुमाई तो सेट कर तो फिर उड़ाई तो। लेकिन मजा आबो जी मत पूछ। देखी स्पीड कर देख आवाजवा सुने कर खाली देख मार तो खच चले बार एकदम देख ली कैसे नवाज देख उड़ गए लो। तो देख सकते एक प्यारा सा सनसेट भी देखने को आपको मिल गया। तो बताइए कैसा लगा सनसेट और कैसा लगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो देखिए फ्लाइट एक है जो कि ये लैंड कर रहा है, ये भी शायद इंडिगो का ही है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। इसे कैमरे में तो उतना नहीं पता चल रहा होगा, सामने रहते तो और अच्छा आपको दिखता। देखिए एक और फ्लाइट है जो कि ये भी एक और टेक ऑफ करने जा रहा है। ये भी देखिए अब थोड़ा धूप कम है थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो सोचा क्यों ना फिर से एक और कैप्चर कर लेता हूँ। ये क्या एक और उधर से आ गया फ्लाइट, वो तो आपको नहीं दिखेगा उतना अच्छे से। एक इधर भी है एक उधर भी है, वो शायद फिलहाल लैंड किया है इसलिए पार्किंग में जा रहा है, जो भी लैंड किया है वो था वो पार्किंग में जा रहा। तो देखिए अभी अपना भी ये भी रफ्तार पकड़ते हुए, शाम हो गया तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, उस समय धूप था तो इसलिए उतना अच्छा नहीं दिखा टेक ऑफ करते हुए भी। ये टेक ऑफ करेगा कुछ दूर जाके। दो तीन प्लेन तो लगभग दिखाई दिया और एक ही चीज़ कितना दिखा था, वैसे तो 8-9 प्लेन टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह किया लेकिन मैं 2-3 ही दिखाया, देखा जाए तो 2 ही दिखाया क्योंकि एक धूप के समय दिखाया और एक शाम हो गया उस समय का दिखाया। जो शाम वाला है थोड़ा अच्छा दिख रहा है और धूप वाला भी ठीक ही दिख रहा है लेकिन धूप के वजह से दिख नहीं पा रहा था। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जोहार।